शिवराज सिंह कैबिनेट के विस्तार और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सक्रिय होते ही कांग्रेस में टूट का सिलसिला एक बार फिर तेज हो गया है। इस बात का दावा बीजेपी की तरफ से पहले ही किया जा रहा था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को और बड़े झटके मिलने वाले हैं, और हुआ भी वही। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में इन सभी ने बीजेपी की सदस्यता ली। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वालों में 30 से ज्यादा जिलों के कांग्रेस पदाधिकारी शामिल हैं। इन सब लोगों ने 2 पूर्व मंत्री, 8 पूर्व विधायकों के साथ सिंधिया के सामने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही कांग्रेस के 5 जिलाध्यक्ष, 9 कार्यकारी जिलाध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के 15 महामंत्री भी बीजेपी के साथ आ गए हैं। बीजेपी में टिकट न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसुमारिया फिर बीजेपी में लौट आए हैं। इसके साथ ही पूर्व मंत्री रघुवीर सिंह सूर्यवंशी भी भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व विधायक गजराम सिंह यादव, राव राजकुमार सिंह यादव, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, गणपत पटेल, केदार मंडलोई, अजीत सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह मालाहेडा, राजेंद्र भारती कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे के केथोरिया, के सिंह कालूहेडा, समंदर पटेल, गिरीश पटेल, ज्ञानवती सहित 15 महामंत्री, 13 प्रदेश सचिव बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश युवक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पवन जायसवाल, 5 जिलाध्यक्ष, 9 कार्यकारी जिलाध्यक्षों ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी, चंदेरी नगर पालिका अध्यक्ष उषा साद, शाजापुर नगर पालिका अध्यक्ष शीतल क्षितिज भट्ट सहित जनपद पंचायत अध्यक्ष सहित 30 से अधिक जिलों के कांग्रेस पदाधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पीएम मोदी लेह के अग्रिम मोर्चे पर गए, जवानों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया, चीन को कड़ा संदेश दिया। ठीक उसी वक्त कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक वीडियो पोस्ट करते हैं और उसके साथ 6 सवाल कि मोदी कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, लद्दाखी कहते हैं कि हमारी बहुत सारी जमीन चीन ने कब्जा ली है, कोई तो झूठ बोल रहा है। लेकिन जब राहुल गांधी के इस वीडियो की पोल खुली तो पता चला कि झूठ कोई नहीं, सिर्फ राहुल गांधी बोल रहे हैं, फरेब कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी ही कर रहे हैं। और अपने झूठ और फरेब को सही साबित करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बयान दिलवाकर पोस्ट कर रहे हैं और उन्हें लद्दाखी नागरिक बता रहे हैं। असल में राहुल गांधी ने जो वीडियो पोस्ट किया उसमें अधिकांश लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं। झूठ का जाल ऐसा कि उस वीडियो में हिमाचल प्रदेश NSUI का प्रदेश महासचिव सचिन मिरूपी भी है, जिसे राहुल गांधी लद्दाखी नागरिक बताकर देश को दुनिया के सामने बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट किए गए इस वीडियो में कांग्रेस के पूर्व काउंसलर नामग्याल दुर्बुक, हिमाचल प्रदेश NSUI के अध्यक्ष महासचिव सचिन मिरूपा, लद्दाख यूथ कांग्रेस के महासचिव तुंदुप नुबू और जिला यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष दोरजी गिल्डसन भी शामिल हैं। झूठ की सियासत करने का राहुल का ये खेल काफी पुराना है, लेकिन अब तो उन्होंने हद ही कर दी। जब से सीमा पर चीन के साथ तनाव शुरू हुआ है, राहुल और सोनिया गांधी का गैंग किसी फर्जीवाड़े में लगा हुआ है। कभी राहुल गांधी सरेंडर मोदी कहकर पीएम मोदी पर हमला करते हैं और कभी डरपोक बताने की कोशिश करते हैं। अब सारे कांग्रेसी एक सुर में कहने लगे हैं कि पीएम मोदी चीन का नाम क्यों नहीं लेते, लेकिन मोदी जो कह रहे हैं, उन्होंने लेह में जवानों के सामने जो कहा, उसका पूरा मतलब चीन को समझ आ गया है। उसने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन कांग्रेस के बेरोजगार और दरबारी नेताओं की समझ से ये सब कुछ परे है। वजह ये कि कांग्रेस को लगता है कि इसी तरह के प्रोपेगेंडा से राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे और फिर उन्हें देश को लूटने की खुली छूट मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए पीएम मोदी का लेह दौरा सरप्राइज रहा। ये दौरा सीमा पर तैनात जवानों के लिए तो जोश भरने वाला था ही, देश के मैंडेट के साथ जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री को पाकर तो जवानों का जोश ऐसे कुचाले मार रहा होगा कि एक इशारा हो तो बीजिंग तक पहुंच जाएं और LAC खींचाएं। सरहद पर तब भी ऐसा ही माहौल रहा होगा जब 2002 में LOC पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कुपवाड़ा पहुंचे थे, तब भी तकरीबन ऐसा ही तनावपूर्ण माहौल हो गया था। ये बात प्रधानमंत्री मोदी को भी निश्चित तौर पर याद आ रही होगी। मोदी ने बीजेपी वाले ही अंदाज में, लेकिन 2 कदम आगे बढ़कर चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी बता दिया और जता दिया कि संभल जाओ, वरना बाद में मत कहना कि पहले नहीं बताया। साथ ही दुनिया के मुल्कों के लिए भी ये भारत का संदेश है कि वे चीन के इरादे पहचान लें और उसके मंसूबों को देखते हुए वक्त रहते संभल जाएं।
चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी मैसेज है कि वो किसी के बहकावे में न आए, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह दौरा अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिला रहा है। 22 मई 2002 को वाजपेयी ने कुपवाड़ा का दौरा किया था और मोदी ने लेह की वो जगह चुनी जहां LAC और LOC दोनों पर राजनीति और कूटनीतिक पोजीशन लेकर एक साथ सबको कड़ा मैसेज दिया जा सके। 2002 में वाजपेयी ने कहा था कि भारत को चुनौती दी गई है और हमें स्वीकार है, मेरे आने का कुछ मतलब है, हमारे पड़ोसी इसे समझे या नहीं, दुनिया इसे संज्ञान में लेती है या नहीं, इतिहासकार भी याद करेंगे कि हमने जीत की नई इबारत लिखी है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया को बुद्ध और युद्ध का दर्शन समझा चुके प्रधानमंत्री मोदी ने अब ये भी साफ कर दिया है कि भारत बुद्ध को मानता जरूर है, लेकिन युद्ध के लिए भी कोई संकोच नहीं है। और इसके लिए इस बार मोदी ने कृष्ण का उदाहरण दिया है, जो हर वक्त बांसुरी बजाते रहते हैं, लेकिन मौके पर सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल से भी परहेज नहीं करते। मोदी ने भी वाजपेयी की ही तरह सरहद पर 24 घंटे मुस्तैद जवानों की पुरजोर हौसला अफजाई की। 28 जून को मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत की जमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। उससे पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं, हमारे जवान मारते मारते मरे हैं, और अब यही जताने की कोशिश कर रही है कि चीन ये न समझे कि भारत अपने 20 जवानों की शहादत भूल चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे के साथ नीमू बेस कैंप में प्रधानमंत्री ने सेना, एयरफोर्स और ITBP के जवानों से मुलाकात की, उनका हालचाल लिया और उत्साहवर्धन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की दो पंक्तियां भी सुनाई, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही, अभी तक डोल कलम आज उनकी जय बोल। प्रधानमंत्री मोदी के हर शब्द में तीन बातों पर खास तौर पर फोकस दिखा, एक जवानों को उत्साहित करने की कोशिश, दो चीन के साथ ही पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी, और तीन दुनिया को भारत दर्शन के साथ साथ चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की असलियत से वाकिफ कराने की कोशिश। पहले से तय तो ये था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करने वाले हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम में तब्दीली के बाद खबर आई कि सिर्फ बिपिन रावत और आर्मी चीफ ही सरहद पर तैनात सैनिकों से मिलने जाएंगे, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंच गए और हर किसी को चौंका दिया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो जगह चुनी गई, वो भी सामरिक और कूटनीतिक तौर पर काफी अहम लगती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस नीमू बेस कैंप का दौरा किया, वो जगह चीन के साथ साथ पाकिस्तान से लगी सरहद से भी ज्यादा दूर नहीं है। पूर्व दिशा में LAC है तो पश्चिम की तरफ LOC, एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों को तरीके से आगाह करने के लिए ये बेहतरीन पॉइंट है। मकसद भी साफ साफ समझ आ जाना चाहिए, दुश्मनों के लिए भारत की राजनीतिक नेतृत्व का स्टैंड क्या है और दोस्त मुल्कों के लिए कूटनीतिक संदेश क्या है। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को संदेश समझने में दिक्कत आ रही हो, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भी आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की। बीती शताब्दी में विस्तारवाद ने ही मानव जाति का विनाश किया, किसी पर विस्तारवाद की जिद सवार हो तो हमेशा वो विश्व शांति के सामने खतरा है, और ये युग विस्तारवाद नहीं विकासवाद का है। ममता बनर्जी की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध बेहद खराब हो गए हैं। ममता बनर्जी की वजह से ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ममता सरकार ने मार्च महीने से पेट्रापोल और बेनापोल सीमा के रास्ते बांग्लादेश से आयात पर रोक लगा दी थी। अब बुधवार से बांग्लादेश ने भारतीय ट्रकों के सामान के निर्यात पर एक बार फिर रोक लगा दी है। इस गतिरोध के चलते सीमा पर सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं और उनमें रखा सामान भी खराब हो रहा है। भारत से निर्यात का विरोध कर रहे बांग्लादेशी व्यापारियों का कहना है कि जब तक भारत बांग्लादेश से आयात की मंजूरी नहीं देता है, वे भारत से निर्यात की अनुमति नहीं देंगे। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण पश्चिम बंगाल की पेट्रापोल सीमा से बांग्लादेश के साथ होने वाला सीमा व्यापार भी बंद था। पिछले दिनों केंद्र सरकार के आदेश के बाद निर्यात को अनुमति दे दी गई थी, लेकिन आयात पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी भी रोक लगा रखी है। इसके चलते बांग्लादेशी व्यापारी नाराज हैं। बांग्लादेश के साथ व्यापार में अप्रैल और मई में 224,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2019 से तुलना करें तो इन्हीं महीनों में $2 बिलियन का मुनाफा हुआ था। लॉकडाउन से एक दिन पहले 23 मार्च से पश्चिम बंगाल ने पेट्रापोल बेनापोल सीमा से बांग्लादेश में आयात निर्यात पर रोक लगा दी थी। 29 अप्रैल को सीमा से आवाजाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन 2 मई को कुछ स्थानीय विरोध प्रदर्शन के चलते इसे फिर से रोक दिया गया। 7 जून से केंद्र के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने सिर्फ निर्यात की अनुमति दी थी। इससे एक दिन में करीब 250 ट्रक बांग्लादेश जाने लगे थे। हालांकि आयात पर रोक से बांग्लादेश व्यापारियों में गुस्सा पनप रहा था।
इस पूरे मसले पर दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल ने त्रिपुरा होते हुए बांग्लादेश से आने वाले सामानों पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन चूंकि दोनों देशों के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र पेट्रापोल बेनापोल सीमा है, इस पर व्यवधान के चलते काफी नुकसान हुआ। इस सीमा से करीब 70% व्यापार होता है। सूत्रों के अनुसार बंगाल ने राज्य से होते हुए नेपाल और भूटान जाने वाले ट्रक्स पर भी रोक लगाई थी। अप्रैल में गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार से इन देशों में ट्रक की आवाजाही को अनुमति देने के लिए कहा, क्योंकि ये देश निर्यात को लेकर भारत पर निर्भर हैं और ये भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता का हिस्सा भी है। केंद्र ममता सरकार से स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि उसका ये एक्शन आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत जारी गृह मंत्रालय के आदेशों का सीधा उल्लंघन है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 253, 256 और 257 का भी उल्लंघन है। व्यापार में इस तरह के गंभीर व्यवधान से द्विपक्षीय समझौते के दूसरे पहलुओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब केंद्र पेट्रापोल बेनापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से बाईपास के दूसरे विकल्प ही देख रही है। पीएम मोदी ने सीमा पर चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए न सिर्फ 59 चीनी एप्स को बैन कर दिया, बल्कि अब इस पूरे मामले में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि वह आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करने जा रहे हैं। मोदी ने लिखा, आज मेड इन इंडिया एप्स बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप समुदाय के बीच अपार उत्साह है, इसलिए इनोवेशन चैलेंज शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या फिर आपको लगता है कि कुछ अच्छा करने का दृष्टिकोण और क्षमता है, तो टेक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने लिंक्डइन पर अपने विचार रखे हैं। भारत सरकार ने चीन के कई एप्स बैन कर दिए हैं, जो कि भारत में बेहद लोकप्रिय हो गए थे और मोटी कमाई कर रहे थे। सीमा पर चीन की हेकड़ी देखने के बाद और इन ऐप में कमियां पाए जाने के बाद सरकार ने ये कदम उठाया। भारत के फैसले के बाद चीन बौखला उठा है। भारत द्वारा चीन के जिन एप्स पर रोक लगाई गई है, उनमें टिकटॉक और यूसी ब्राउजर भी शामिल हैं, जो भारत में काफी लोकप्रिय हैं। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में भारत चीन सीमा विवाद के बीच ये रोक लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कोरोना वायरस और फिर भारत के साथ जारी तनाव के चलते चीन को भारी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। कई देशों के साथ चीन के रिश्ते खराब हो रहे हैं। सो अलग आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश अमेरिका और भारत सहित कई देश कर रहे हैं। भारत का करीबी जापान भी कुछ ऐसे ही कदम उठाने की तैयारी में है। जापान करीब 12 साल बाद शी जिनपिंग के दौरे को रद्द कर सकता है। ये यात्रा पहले अप्रैल में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे तब टाल दिया गया था। लेकिन अब शी जिनपिंग की यात्रा को लेकर जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही भारी विरोध शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से तनाव है, लेकिन ताजा घटना में पार्टी के सांसदों ने औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने को देखते हुए शी जिनपिंग यात्रा को रद्द किया जाए। जापान के सांसद हांगकांग में चीन की कार्रवाई से बेहद नाराज हैं। उन्हें ये डर सता रहा है कि इस कानून से हांगकांग में काम कर रहे जापानीज लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। जापान ने आरोप लगाया कि चीन कोरोना वायरस महामारी का इस्तेमाल आक्रामक कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, साथ ही हांगकांग पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है, जो दुनिया का वित्तीय केंद्र है और उससे जापान के हित भी जुड़े हुए हैं। हांगकांग में जापान की 1400 कंपनीज काम कर रही हैं। हांगकांग जापान के कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक है। जापान का बिजनेस समुदाय चीन के इस नए कानून से काफी चिंतित है। जापान ने हांगकांग में उठाए गए कदमों पर चीन की कड़ी आलोचना की है। जापान ने कहा कि ये हांगकांग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, जबकि वर्ष 1997 में चीन ने 50 साल तक हांगकांग को पूर्ण स्वायत्तता देने का ब्रिटेन से वादा किया था। यही नहीं, हाल के दिनों में जापान और चीन के बीच सेनकाकू द्वीप समूहों को लेकर भी टकराव बढ़ता जा रहा है। चीन के जंगी जहाज लगातार जापानी इलाके में प्रवेश कर रहे हैं और इससे जापान काफी नाराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। तेजस्वी यादव ने लालू राबड़ी शासन के दौरान बिहार में मची अराजकता के लिए माफी मांग ली। वजह यह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर जंगल राज को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में थे। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर खुद को पाक साफ बताने के लिए वही पुराना तरीका अपनाया है।
जैसे 2017 में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर तेजस्वी अपनी मूंछों की दुहाई दे रहे थे। ऐसा लगता है जैसे तेजस्वी यादव लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन से खुद को अलग करके पेश करने की कोशिश कर रहे हों। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव के माफी मांग लेने से नीतीश कुमार की चुनौतियां बढ़ सकती हैं, या फिर तेजस्वी की माफी आरजेडी पर ही बैकफायर होने वाली है, या फिर तेजस्वी नीतीश पर हमला करते करते थक चुके हैं। वैसे भी तीखे तेवर और जोरदार हमलों का भी कोई असर न हो तो फिक्र होना स्वाभाविक है। लालू यादव के जेल चले जाने के बाद से तेजस्वी आरजेडी की वापसी की कोशिश में अपनी ओर से जी जान से लगे हुए हैं। माफी की राजनीति की पुरानी परंपरा रही है और ऐसा कई बार हुआ है जब नेताओं को इसका फायदा भी मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। गलती का एहसास और भूल सुधार समाज में अच्छी बातें होती हैं, इसलिए जनता मौका भी देती है। तेजस्वी यादव भी अपने माता पिता के शासन के दौरान हुई गलतियों के लिए माफी मांग कर नए सिरे से जनता का आशीर्वाद चाहते हैं। हालांकि ऐन उसी वक्त वो लालू यादव के सामाजिक न्याय की याद भी दिलाते हैं और अपनी पार्टी आरजेडी के सत्ता में आने पर बेरोजगारों के लिए रोजगार के इंतजाम के वादे भी कर रहे हैं। उपचुनाव में एक दो सीटों पर मिली कामयाबी को छोड़ दें तो 2019 के आम चुनाव में तो पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका। नतीजे आने के बाद काफी दिनों तक तेजस्वी यादव सीन से गायब रहे। जब सवाल उठने लगे तो एक दिन अचानक प्रकट हुए और फिर से अपने मिशन में जुट गए। अब ये समझना जरूरी है कि तेजस्वी यादव के माफी मांग लेने से क्या फर्क पड़ने वाला है। फर्क जैसे क्या? आरजेडी को तेजस्वी की माफी से क्या चुनावों में फायदा मिल सकता है? फर्क से मतलब ये है कि क्या इससे नीतीश कुमार की चुनौतियां बढ़ सकती हैं? क्या ये फर्क भी आ सकता है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में जंगलराज को मुद्दा बनाने का इरादा ही छोड़ दे? सच तो ये है कि तेजस्वी यादव ने माफी कोई पहली बार नहीं मांगी है। आरजेडी कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान तेजस्वी यादव ने पहले भी माफी की बात की है और अंतर बस इतना है कि चुनावी माहौल में इसे गंभीरता से लिया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि तेजस्वी यादव माफी मांगने वाले लालू परिवार के कोई पहले सदस्य हैं। 10 साल पहले खुद लालू यादव भी माफी मांग चुके हैं। तेजस्वी यादव अगर ये न जानते हों या न जानने के बाद भी भूल गए हों तो एक बार याद जरूर करना चाहिए और चीजों की बारीकी से समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने माफी मांगते समय जो दलील दी है वो भी उनकी पुरानी आदत है। वो भी उनकी पुरानी अदा है। 2017 में जब तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो वो नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम थे और मुख्यमंत्री चाहते थे कि वो इस्तीफा दे दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर अचानक नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे डाला। मुख्यमंत्री का इस्तीफा पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाता है। अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव किससे माफी मांग रहे हैं? लालू यादव के जंगल राज का जो पीड़ित तबका है वो सवर्ण है, वे तेजस्वी को माफ करते हैं या नहीं ये तो चुनावी नतीजों के बाद साफ हो ही जाएगा। लेकिन क्या माफी मांगकर तेजस्वी यादव अपने खास वोट बैंक को नाराज नहीं कर रहे हैं? क्या यादव वोट बैंक ये नहीं सोचेगा कि सवर्णों से माफी मांगने के बाद अगर उनके वोट से तेजस्वी यादव सत्ता में आए तो उनके हिस्से में क्या आएगा? क्या ये वही अविश्वास नहीं है जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने यूपी की सत्ता गंवा दी है और आम चुनाव में दलित नेता मायावती के साथ गठबंधन के बाद भी अपनी पत्नी डिंपल यादव की सीट भी नहीं बचा पाए? लग रहा है जैसे तेजस्वी यादव ये कहने की कोशिश कर रहे हों, पिता की गलतियों की सजा बेटे को क्यों दे रहे हो? पिता तो अपनी गलतियों की सजा जेल में काट ही रहा है, पिता की गलतियों की सजा बेटे को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये तो उस पर लागू होगा जिसने अपने बूते कोई मकाम हासिल किया हो। आखिर तेजस्वी के माफी मांगने के बाद बिहार के लोग आरजेडी को सत्ता सौंप दें, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? आखिर तेजस्वी यादव का बिहार की राजनीति में अपना योगदान क्या है? जो स्थिति है उसमें ऐसा तो नहीं लगता है। तेजस्वी यादव के माफी मांग लेने भर से नीतीश कुमार की चुनावी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उल्टे कहीं आरजेडी का वोट बैंक कंफ्यूज हुआ तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं।